ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 का वो जो वचन जिसे अभी अभी हमने सुना, इस वचन को आप लिख कर रखिए, क्योंकि ये वचन हम बार 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 दोहराते रहेंगे, क्योंकि क्रिस्तीय जीवन का सार है कि ईश्वर हम सभी को अपने पुत्र के प्रतिरूप बनाना चाहते हैं, अपने पुत्र के समान बनाना चाहते हैं। उसी के लिए ही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर मानव रूप में भेजे, इसलिए इस वचन को हमेशा याद रखिएगा। तो संस्कारों के बारे में जो हम धर्म शिक्षा प्रारंभ किए हैं, तो उसकी पहली शिक्षा है। आज हम संस्कार क्या है इस पर हम मनन करेंगे। संस्कार अंग्रेजी में सैक्रामेंट कहा जाता है। यह मूल रूप में ग्रीक भाषा से आई है। वास्तव में ग्रीक भाषा में सैक्रामेंट को मिस्टीरियोन कहते हैं, यानी मिस्ट्री, रहस्य। हम आज सैक्रामेंट या संस्कार जब हम कहते हैं, हम केवल जो 7 संस्कार हैं उन्हीं को ही हम मानते हैं कि ये संस्कार है। वास्तव में उनसे बढ़कर और संस्कार है, इनको आज हम समझेंगे। संस्कार एक प्रभावी चिन्ह है, ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। संस्कार एक प्रभावी चिन्ह है जो आंतरिक कृपाओं को प्रकट करता है, वो एक चिन्ह है। यदि इस परिभाषा को जो हम इतने सालों से सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, वास्तव में वो सच है, तो इस परिभाषा के अनुसार ये 7 केवल नहीं, उसके पहले और भी कुछ संस्कार हैं। आइए हम उन पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। हमने देखा है कि संस्कार एक प्रभावी चिन्ह है, वो एक रहस्य है, और ये 7 हम जो कहते हैं कलीसिया में हम जो मानते आ रहे हैं, उनसे बढ़कर सबसे प्रथम सबसे महत्वपूर्ण एक संस्कार है। मुझे पता नहीं कि आप ये इसके बारे में सुने हैं या नहीं, सबसे प्रथम और संस्कारों का संस्कार है स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त। जी हां, स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ही संस्कार है, वही है वो रहस्य, वही है वो चिन्ह जो प्रकट करता है। यीशु ही है वो चिन्ह जिनके द्वारा स्वयं पिता ईश्वर अपने ईश्वरीय स्वभाव को हम पर प्रकट किए हैं, ईश्वरीय योजना को हम पर प्रकट किए हैं, ईश्वरीय रहस्य को हम पर प्रकट किए हैं। इसको हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, कलोसियन के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 संख्या 15-20। आप इसको लिख के रखे और पढ़ लीजिए, और इसमें से मैं केवल 2 वाक्य लूंगा। पद संख्या 15 में लिखा है, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। इस वाक्य का पहला भाग जो है उसमें लिखा है, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप। वो रूप है, किसका रूप है? अदृश्य ईश्वर का। संस्कार के बारे में उसका जो परिभाषा है हम जानते हैं, वो एक चिन्ह है, वो एक रूप है, किस चीज का? जो आंतरिक चीजें हैं, आंतरिक कृपा है। कृपा सब क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम सीखेंगे। अभी हम इस विषय को हम समझें कि संस्कार एक चिन्ह है, वो जो आंतरिक या छुपी बातों को प्रकट करने वाला एक चिन्ह है। यहां संत पौलुस हमें बता रहे हैं कि यीशु मसीह ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर का वो चिन्ह है जो इस धरती पर आकर ईश्वर को हम पर प्रकट करते हैं। ईश्वर वास्तव में कौन है उसको हम पर प्रकट करते हैं। पद संज्ञा 19 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो, सब प्रकार की।
असली में अंग्रेजी में इसको हम पढ़ेंगे तो या और कुछ गहराई में ले जाता है। वो कहता है कि फुलनेस ऑफ द डिविनिटी, फुलनेस ऑफ द डिविनिटी, वो परिपूर्णता का जो शब्द यहाँ हिंदी में प्रयोग किया गया है उसका अंग्रेजी अनुवाद में भी हम देखें तो वहां फुलनेस ऑफ द डिविनिटी यानी ईश्वरीय परिपूर्णता येसु में निवास किया। येसु ही वो परिपूर्ण ईश्वरीयता का वो प्रकट या दृश्य रूप है। हम इसके बारे में इसके पहले बहुत बार हम इस पर मनन किए हैं, येसु के शरीर धारण के बारे में। उसके बारे में यदि आप नहीं समझे हैं या उन वीडियो को नहीं देखे हैं और देखे भी होंगे, मैं चाहूंगा उसको दोबारा आप देखें क्योंकि इस बात को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से हमारे जो सात संस्कार हैं उसको हम समझ पाएंगे। यहां से हमें स्पष्ट ये समझने की जरूरत है कि येसु ही वास्तविक संस्कार है, येसु ही वो रहस्य है, येसु में ईश्वरीयता की परिपूर्णता निवास की, वो परिपूर्ण येसु प्रकट करते हैं, ईश्वर को प्रकट करते हैं। स्वयं ईश्वर है और स्वयं मनुष्य, और ईश्वरीय वो परिपूर्णता जो अदृश्यमान रहा वो यहां येसु में वो प्रकट होता है, वो चिन्ह है। तो यहां हम ये समझ रहे हैं कि येसु ही वास्तव में संस्कार है। इसके अगले कदम में हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि यदि येसु संस्कार है तो उनका शरीर पवित्र कलीसिया भी संस्कार है, पवित्र कलीसिया संस्कार है। इसके बारे में हम अलग अलग जगह पर हम पवित्र बाइबल से पढ़ सकते हैं। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु येसु का शरीर कलीसिया है, कलीसिया ही येसु का शरीर है। इसको हम पवित्र वचन में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से 27 तक, कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 5, इनमें हम देख सकते हैं जहां संत पौलुस कलीसिया को प्रभु येसु के शरीर एवं प्रभु येसु को उस शरीर रूपी कलीसिया के शीर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यदि येसु संस्कार है तो आज उनके स्वर्गारोहण के बाद उनका जो शरीर इस धरती पर है, हम यानी कलीसिया उनका वो रूप है, वो प्रतिरूप है। जैसे येसु इस धरती पर अपने पिता को संपूर्ण ईश्वर को प्रकट किए, इस धरती पर आकर पवित्र त्रिएक ईश्वर को इस धरती पर हम भर प्रकट किए, आज कलीसिया वो कार्य करती है। कलीसिया प्रभु येसु का शरीर, आज कलीसिया प्रभु येसु के प्रतिरूप के रूप में यहां इस धरती पर कार्य करती है। जैसे संत पौलुस कलोसियों के नाम अपने पत्र में हमें बताए कि ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप है, तो हम आज ये कह सकते हैं कलीसिया अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप है। और इसका और भी एक महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि येसु जो कार्य संपन्न किए इस धरती पर, उन कार्यों को हमें यानी कलीसिया को सौंपे हैं, उन कार्यों के फलों को देने की जिम्मेदारी कलीसिया को है। तो उन कार्यों के फल जिन्हें हम कृपा कहते हैं वो कलीसिया को येसु सौंपे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि येसु संस्कारों की स्थापना करके कलीसिया को सौंपे और कलीसिया उन्हें अपनी संतानों को देती है। ये गैर क्रिस्तियों को नहीं दिया जाता है, जो येसु के शरीर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाता है, लेकिन बपतिस्मा जो सभी संस्कारों का प्रथम संस्कार है, जो सभी संस्कारों का द्वार कहा जाता है, उस संस्कार के द्वारा हम प्रभु येसु में प्रवेश करते हैं, प्रभु येसु के शरीर के अंग बनते हैं और अन्य संस्कारों के द्वारा ईश्वर अन्य कृपादान हमें देते हैं। इसे हम आने वाले दिनों में गहरे रूप से समझेंगे, लेकिन हमें आज इस बात को समझने की जरूरत है कि कलीसिया कोई ऐसे एक संगठन नहीं है, बल्कि प्रभु येसु का शरीर है, प्रभु येसु का प्रतिरूप है आज इस धरती पर। तो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने पेश करती है, आपके पल्ली में, मेरे पल्ली में या हमारे क्रिस्तीय जीवन में, क्या हम एक संस्कार के रूप में हम जी रहे हैं? कहने का मतलब, क्या हम येसु के प्रतिरूप बनकर इस धरती पर जी रहे हैं? क्या हमें देखकर लोग येसु को देखते हैं?
क्या लोग हमारे द्वारा यीशु को देख पाते हैं? यीशु के द्वारा लोग ईश्वर को देखे, यीशु में ईश्वर को देखे, उनके उस शरीर धारण में, उनके उस व्यक्ति में लोग ईश्वर को देखे। लेकिन आज क्या कलीसिया जो इस धरती पर यीशु का प्रतिरूप बनकर कार्य करने के लिए बुलाई गई है, बनाई गई है, क्या कलीसिया आज संस्कार के रूप में कार्य करती है? यानी मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से, अपने से मुझे भी पूछने की जरूरत है, क्या मैं एक क्रिस्ती होने के नाते, एक पुरोहित होने के नाते, क्या मैं यीशु का प्रतिरूप बनकर इस धरती पर जीता हूं? आपका परिवार एक संस्कार है, क्योंकि वो घरेलू कलीसिया है। क्या आपका परिवार यीशु के उस जीवन को, ईश्वरीय उस जीवन को प्रकट करता है? हम इसके बारे में और भी गहरे रूप में आने वाले दिनों में हम मनन करेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि संस्कार एक चिन्ह है, एक रूप है, जो अदृश्य है उसको प्रकट करने वाला एक चिन्ह, उसको प्रकट करने वाला एक रूप है। तो इस मतलब से यदि हम देखें तो यीशु संस्कार है, वास्तव में यीशु ही संस्कार है, और उनके शरीर के अंग होने के नाते और जो कार्य यीशु संपन्न किए अपने जन्म, दुखभोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण के द्वारा जो कार्य संपन्न करके उन फलों को कलीसिया को सौंपे हैं, उन फलों को कलीसिया में हम देख सकते हैं, कलीसिया के बाहर नहीं, उन फलों को यीशु कलीसिया को सौंपे हैं ताकि कलीसिया अपनी संतानों को, अपने शरीर के अंगों को इन्हें दें। इसलिए हम देखते हैं, आप लोग इसके बारे में जरूर कभी विचार किए होंगे कि कोई व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण कर लिया और वो चर्च के बाहर शादी करता है, यानी वो गैर कैथोलिक व्यक्ति से शादी करता है, विवाह करता है, तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति आकर अन्य संस्कारों में भाग नहीं ले पाता है। कब तक? जब तक उसके विवाह का सुधार ना हो जाए, जिसको हम शादी सुधार करते हैं, जब तक वो सुधार नहीं होता है, मतलब उस विवाह को संस्कार में, यानी संस्कार रूप में उन लोग विवाह नहीं करते हैं, तब तक उन लोग आकर कलीसिया के अन्य संस्कारों में सहभागी नहीं हो सकते हैं। उसका मतलब यही, क्योंकि हमें हमेशा उस ईश्वरीय जीवन में, उस परिवार में रहकर, ईश्वरीय शरीर में रहकर, उस शरीर के अनुसार हमें जीने की जरूरत है, तब हमें वो सब वरदान हमें मिलते जाते हैं। तो ये जो वरदान यीशु कलीसिया को सौंपे हैं, यानी कृपादानों को, अपने जीवन को यीशु इस कलीसिया को दिए, यानी ये कलीसिया उनका शरीर है, तो उनके शरीर में, यानी कलीसिया में ये जो कृपादान है, उन्हें कलीसिया अपनी संतानों को देती है। तो यहां कलीसिया कृपाओं की उत्पत्ति नहीं करती है, कृपाओं को बनाती नहीं है, बल्कि उनका शीर्ष यानी यीशु जो संपन्न किए हैं, जो प्राप्त किए हैं कृपादान, उन्हें कलीसिया अपनी संतानों को देने की जिम्मेदारी यीशु से पाई है। इसलिए कलीसिया यीशु में एक संस्कार है। यदि मान लीजिए कलीसिया यीशु के अनुसार, यीशु में ही बने रहकर कार्य नहीं करती है, तो वो संस्कार होने की ये जो जिम्मेदारी और ये जो वरदान है उसको खो दे। इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे आस पड़ोस में आजकल बहुत सारे हमारे बिछड़े हुए भाई, यानी प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग ये कहते हैं कि हमारे यहां कलीसिया बैठती है, उनके यहां कलीसिया बैठती है, वो हम कलीसिया नहीं कर सकते, वो एक प्रार्थना मंडली हो सकती है। प्रभु येसु एक ही कलीसिया की स्थापना किए, एक ही कलीसिया की स्थापना किए, और हम इसके पहले इस बिंदु पर हम मनन किए हैं कि कलीसिया प्रभु येसु के बगल से निकली, जैसे आदम के बगल से हेवा निकली थी या बनाई गई थी, उसी प्रकार येसु जब क्रूस पर मरे, उनके बगल में जो छेद किया गया, उसी से ही कलीसिया का जन्म हुआ। लेकिन उसका प्रकट रूप कब हुआ? ये कलीसिया जो प्रभु येसु का शरीर है, वो प्रकट रूप में कब बाहर निकली? वो बाहर निकली थी यानी प्रकट की गई थी पंतकोस्त के दिन, और तब से हम देखते हैं आज तक कलीसिया एक बनी रहकर कार्य करती रही है। लेकिन लोग अपनी इच्छा अनुसार जो बातों को उन लोग नहीं मान सकते हैं, जैसे येसु के समय में ही कुछ लोग, कुछ शिष्य लोग येसु की शिक्षा स्वीकार नहीं कर पाए,
उन लोग बोले एक तो कठोर शिक्षा है, इसको कौन समझ सकता है, कौन स्वीकार कर सकता है, और उन लोग यीशु को छोड़कर चले गए। हम इसके बारे में संदियोगन रचि सुसमाचार अध्याय 6 में देख सकते हैं, जहां प्रभु यीशु पवित्र यूक्रिस्त के बारे में उन्हें शिक्षा दे रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि स्वयं यीशु संस्कार है और उनके शरीर होने के कारण कलीसिया यीशु का संस्कार है, एक चिन्ह है और एक माध्यम है। एक चिन्ह केवल नहीं, एक माध्यम है। यानी यीशु जो कार्य संपन्न किए, उन कार्यों को अपनी संतानों को देने का एक माध्यम रूपी उस कार्य को कलीसिया आज करती है। और इसका कार्य क्या है वास्तव में? ये दो कार्य विशेष रूप से करती है। एक है मनुष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ती है कलीसिया। यानी जब हम कलीसिया के अंग बनते हैं, हम किसके अंग बन जा रहे हैं? यीशु के अंग बन जा रहे हैं। तो हमें ईश्वर के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी कलीसिया की है। दूसरा कार्य क्या करती है? हम मनुष्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। आज यदि मैं एक कैथलिक हूं, मैं जन्मा कन्याकुमारी, भारत देश के निचले स्तर कन्याकुमारी में मैं जन्मा, लेकिन मैं अमेरिका में या कोई भी देश में जन्मे एक कैथलिक व्यक्ति को मैं भाई या बहन कहकर बुला सकता हूं या बुलाना चाहिए, क्योंकि हम सभी यीशु में भाई बहन हैं। हम जिनको पिता कहकर बुलाते हैं वो हर व्यक्ति के पिता, विशेष रूप से जो बपतिस्मा ग्रहण किए, सबके वो पिता है, लेकिन लोग उनको स्वीकार नहीं किए हैं। जो अधिकार वो दे चुके हैं उन लोग उसको अपनाए नहीं। जैसे योगन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11-12 में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया मतलब हम सभी जो मनुष्य हैं, हम सभी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और सबों को ईश्वर अपनी संतान बनाना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं, हम स्वतंत्र रूप से वो जो वरदान हमें दे रहे हैं उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमें अपनाना पड़ेगा। इसलिए संत योहन कहते हैं जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। वरदान केवल नहीं, अधिकार। तो इसलिए कलीसिया मानव जाति को एकत्रित करने का यह कार्य करती है। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं जो भिन्नताएं हैं भाषा के नाम पर, रूप के नाम पर, रंग के नाम पर, जाति के नाम पर, इन सभी जो भिन्नताएं हैं, माने जो दीवार हम लोगों को दूसरों से अलग करके रखा था, उस दीवार को यीशु अपने क्रूस के माध्यम से तोड़ डाले। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न पूछा, क्या कलीसिया आज एक संस्कार के रूप में इस दुनिया में कार्य करती है, या हम कलीसिया को खंड खंड करके, अलग अलग करके, लोगों को भाषा के रूप में, जाति के रूप में, उनके जीवन शैली के रूप में हम अलग करके एक दूसरे के बीच में फूट डालने का कार्य करते हैं? ये केवल पुरोहितों की, धर्म बहनों की, महाधर्माध्यक्ष की जिम्मेदारी केवल नहीं है, उनकी जरूर, बल्कि हर क्रिस्ते की जिम्मेदारी है। जहां जहां या जब जब ये बात कलीसिया जीती नहीं है, उसके शरीर के एक अंग होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आवाज उठाने की। यानी कलीसिया को हमें एक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपके फादर अच्छे नहीं है तो आप क्या करते हैं? दूसरे पल्ली में चले जाते हैं। वहां नहीं है तो क्या होता है? हम कलीसिया से अलग होकर जो बिछड़े भाई हैं हमारे, उनके पीछे चले जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं। हम सोचते हैं अच्छी अच्छी प्रार्थना करना पर्याप्त है, नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। हमें यीशु के शरीर में रह कर जीना है, उस संस्कार के रूप में हमें जीने की जरूरत है। तो आज हम ये सीखे हैं कि यीशु संस्कार है और उनके शरीर के अंग होने के नाते कलीसिया भी एक संस्कार है। हम आने वाले दिन अगले वीडियो में हम कलीसिया की जो 7 संस्कार है उसके बारे में हम गहरे रूप से मनन करेंगे। वो क्यों 7 है और उनका कारण क्या है और उसकी स्थापना किसने की, क्यों की, और उसके फलों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में आने वाले वीडियो में, पॉडकास्ट में हम सुनेंगे, सीखेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप अभी तक
हमारे फेसबुक ग्रुप में आप जुड़े नहीं हैं, आप जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां हम इन बातों के बारे में गहरा विचार करते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास कुछ प्रश्न है, आप वहां पूछ सकते हैं और उनके जो सदस्य लोग हैं हम चर्चा कर सकते हैं आपस में। इसलिए वो बनाया गया है क्योंकि यहाँ यूट्यूब में वो संभव नहीं होगा, हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप अपने प्रश्न पूछकर ज्यादा हम जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन वहां ग्रुप में क्या होता है, एक व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है उसका जवाब हम हर कोई दे सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उसको और भी गहरे रूप में हम ले सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप हमारे उस फेसबुक ग्रुप, एक्चुअली ये प्राइवेट ग्रुप है, आपको उसमें क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा अंदर आने का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर जुड़िए। और मैं आशा करूंगा आज जो कुछ हम सीखे हैं इन बातों का आप लिख कर रखिए और इस पर मनन करिए और अपने दैनिक जीवन में अमल करने और स्वयं एक संस्कार बनकर यीशु का रूप बनकर इस दुनिया में यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के जो जिम्मेदारी हमें मिली उसको पूरा करने की कृपा ईश्वर हम सबों को दे। धन्यवाद।